दोस्तों संजय दत्त का पूरा नाम संजय बलराज दत्त है। वर्ष 1982 में उन्हें अवैध ड्रग्स रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और इस अपराध के लिए उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। वर्ष 1993 में संजय दत्त को टाडा यानी कि टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट अधिनियम के अंतर्गत मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दौरान अवैध हथियारों AK-47 को रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्हें 1995 में जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन दिसंबर 1995 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था और अप्रैल 1997 में संजय दत्त को फिर से जमानत पर रिहा कर दिया गया। वर्ष 2007 में संजय दत्त ने पुणे की आर्थर रोड जेल में 7 महीने बिताए। 31 जुलाई 2007 को टाडा अदालत ने संजय दत्त को मुंबई बम धमाकों के संबंध में दोषी करार दिया। उन्हें अवैध हथियार रखने के लिए 6 वर्ष की सख्त सजा सुनाई गई और उन्हें यरोडा जेल ले जाया गया। 20 अगस्त 2007 को उन्हें जमानत मिल गई और 22 अक्टूबर 2007 को वापस उन्हें जेल जाना पड़ा। 27 नवंबर 2007 को सर्वोच्च अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। 2 मार्च 2013 को भारत सर्वोच्च न्यायालय ने टाडा के फैसले को बरकरार रखते हुए उनकी सजा को 6 साल से 5 साल कर दिया और संजय दत्त को आत्मसमर्पण के लिए 1 महीने का समय दिया। उन्होंने समर्पण कर दिया और फिर वो केस धीरे धीरे समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अब हम दूसरे चीजें देखते हैं। उनकी मां नरगिस दत्त उन्हें चांद कहकर पुकारती थी। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी के प्रदर्शन से पहले ही उनकी मां नरगिस का कैंसर से इलाज के दौरान 2 मई 1981 को निधन हो गया था। नरगिस अपने बेटे को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में शिखर पर देखना चाहते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका। अपने हाई स्कूल के समय से ही संजय दत्त नशे की लत के शिकार हो गए थे। उन्होंने अपना नाम सुन जैसे संजय रख लिया था। 1986 में आई फिल्म नाम के बाद वे सुर्खियों में आ गए। फिल्म में बेहतरीन भूमिका के लिए उन्हें काफी सहारा गया। 1992 में साजन के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1999 की फिल्म वास्तव में रेड के आलोचकों ने संजय दत्त की प्रशंसा करते हुए फिल्म में निभाई गई उनकी भूमिका को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना। वर्ष 2003 में मुन्ना भाई MBBS में उनकी उत्कृष्ट भूमिका के लिए भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। वह गिटार के बहुत शौकीन है। अमेरिका में आयोजित गिटार प्रतियोगिता में उन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था। उनकी पहली पत्नी ऋचा शर्मा की 1996 में कैंसर के कारण मृत्यु हो गई थी। उनकी छोटी बहन नर्मदा की शादी अभिनेता कुमार गौरव से हुई थी। अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद संजय ने अपनी बेटी त्रिशाला की जिम्मेदारी ऋचा के माता पिता को सौंप दी और त्रिशाला अपने नाना नानी के पास अमेरिका चली गई। उनकी तीसरी पत्नी मान्यता का असली नाम दिलनवाज शेख है। मान्यता ने 2 जुड़वा बच्चों बेटा आरण और बेटी ईका को जन्म दिया। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्हें चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी से टिकट देने की पेशकश की गई थी। हालांकि वह टिकट वापस ले ली गई जब अदालत ने उन्हें अवैध हथियार के संबंध में उनकी सजा को बरकरार रखा था। पुणे की जेल में बिताए गए 5 वर्षों की अवधि में संजय दत्त ने 38,000 रुपए अर्जित किए। दैनिक दुरुपयोग पर अधिक खर्च होने के बाद भी जेल से बाहर निकलने पर उनके 450 रुपए वेतन के रूप में बाहर आए थे। 2016 में राजू हिरानी ने संजय दत्त के जीवन पर एक बायोपिक बनाने की घोषणा की और वर्ष 2016 में संजय दत्त की यरोदा जेल में रिहाई के बाद फिल्म की शूटिंग आरम्भ कर दी। उनके ऊपर बनाई गई बायोपिक का नाम संजू है, जिसमें रणबीर कपूर ने उनका बहुत ही अच्छा रोल किया। और अगर संजय दत्त हो तो बात ही अलग थी, क्योंकि संजय दत्त की एक्टिंग एंड वॉकिंग स्टाइल एंड बात करने का तरीका, उनका सब कुछ अलग है बिल्कुल, और उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। कॉपी से संजय दत्त नहीं बन सकते आप, क्योंकि संजय दत्त तो सिर्फ एक ही है, संजय दत्त माय फेवरेट एक्टर संजय दत्त है। बाबा की स्टाइल ही अलग है। अगर आप भी संजय दत्त के फैन है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए अक्सर लाते रहते हैं। पहली बार कहा है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों अगर आपने संजय दत्त की मूवी कोई रिसेंटली देखी है, पुरानी में नई में जिसमें विलन बनते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें वो एक्टर हीरो करते थे, तो आप हमें कमेंट करके बता दें। मैंने खलनायक मूवी देखी जल्दी, हालांकि इससे पहले मैंने उसे बहुत बार देखा, लेकिन खलनायक और वास्तव ऐसे मूवी हैं जिन्हें बार बार देखने का मन करता रहता है।